नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। 15 साल के स्टूडेंट ने स्कूल यूनिफॉर्म ना दिलाने पर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें उसने लिखा कि अब आप कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होंगी। दुनिया का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। आपको बता दें कि स्टूडेंट की माँ सरकारी स्कूल में टीचर है और दो दिन से बेटा माँ से ड्रेस दिलाने की जिद कर रहा था। स्टूडेंट की माँ का शुक्रवार को 40वां जन्मदिन था। ये मामला है अलवर के बहरोड इलाके का। बहरोड के गांव भगवाड़ी खुर्द के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंचन टीचर के पद पे कार्यरत है और उनके पति का कुछ समय पहले निधन हो गया था। बता दें कि कंचन का बेटा रोहित बहरोड में एक निजी स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। आपको बता दें कंचन का बेटा, जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, वह रोहित बहरोड में एक निजी स्कूल में 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। दो दिन से रोहित नए स्कूल यूनिफॉर्म की जिद कर रहा था। कंचन व्यस्त होने की वजह से रोहित को यूनिफॉर्म नहीं दिलवा पाई। वहीं शुक्रवार को कंचन का जन्मदिन था। उसने रोहित से वादा किया था कि स्कूल से लौटकर शाम को वह उसे नई यूनिफॉर्म दिला देगी। रोहित ने माँ को स्कूल जाने से पहले बर्थडे विश भी किया था, साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म जरूर दिलाने की बात कही थी। बार बार यूनिफॉर्म की रट लगाने के कारण कंचन ने बेटे को डांट दिया था। कहा था कि आज मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, शाम को दिला दूंगी। रोहित को माँ की ये डांट ऐसी लगी कि उसने सुसाइड कर लिया। वहीं रोहित के सुसाइड के बाद एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कंचन को जन्मदिन विश किया है। ब्लैक बोर्ड पर कंचन को जन्मदिन की इबारत लिखी हुई और मोबाइल में फोटो खींची गई। कंचन स्कूल से शाम को खुशी खुशी घर लौटी और कमरे में पहुंची तो गेट अंदर से लॉक था। बेटे को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। घबराई सहमी कंचन ने पड़ोसियों से मदद मांगी। गेट तोड़ा तो अंदर कमरे में रोहित रस्सी के सहारे पंखे से लटका हुआ था। पास ही प्लास्टिक का स्टूल पड़ा हुआ था। स्कूल की कॉपी पर रोहित ने लिखा था, अब आप कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होंगी। वहीं माँ बेसुध हो गई। रस्सी को काट कर रोहित को नीचे उतारा गया और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं बता दें कि माँ के जन्मदिन पर बेटे ने सुसाइड नोट में जो लिखा उसे पढ़कर हर कोई सकते में है। इस मामले में कंचन के रिश्तेदार ग्राम पंचायत गुंती के सरपंच अनिल कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल घर में कोई बात करने की स्थिति में नहीं है और वहीं पुलिस इस मामले में निजी स्कूल की भूमिका की पड़ताल कर रही है। माँ बेटे वो सुबह स्कूल चली गई माँ, और आके देखा तो वो बंद कमरे के अंदर वो लटका हुआ मिला जी। तो उसने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसी को बुलाकर उसको दरवाजे को तोड़वा कर खोला तो उसका लड़का रोहित कुमार रस्सी से लटका हुआ मिला। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।